हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो गाइस। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया है और उसकी डेट कब तक है, कब फॉर्म रिलीज़ किया है, उसकी फ़ीस क्या होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की और लास्ट डेट कब तक है। इन चार की पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से हम देख सकते हैं। गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल में जाइएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे आपको एक पेज खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा और आप यहाँ पे आकर सरकारी रिजल्ट पे ओके कर दीजिएगा। जैसे आप सरकारी रिजल्ट को नीचे जाएंगे और एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है आपको। ये देखिए, ये लेटेस्ट जॉब हो गया और यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021। गाइस इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए सारा कुछ खुल के आ गया हमारे पास। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद UGAT PGTAT एंड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021। गाइस यहाँ से देखेंगे हम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना जो फॉर्म रिलीज़ किया है वो 11 सितंबर को रिलीज़ किया है। जी देखिए नीचे हम जाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग जो डेट है वो कब होने वाला है। ये देखिए 11/9/2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 3/10/2021 तक, अर्थात 3 अक्टूबर 2021 तक है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो यहाँ पर इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट। और हम देखेंगे इसकी फ़ीस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। ये देखिए दोस्तों, यूजी कोर्स के लिए और पीजी कोर्स के लिए और एलएलबी 3 ईयर वालों के लिए जनरल और ओबीसी की जो फ़ीस होने वाली है वो 800 रुपये होने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस, और एससी और एसटी की होने वाली है 400 रुपये। अदर कोर्स में अगर हम आएंगे तो अदर कोर्स लाइक इन तीनों कोर्स को छोड़ने के बाद जो अदर कोर्स आता है उसमें हम देखेंगे तो उसकी जो फ़ीस होने वाली है वो होने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1600 रुपये, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, ये होने वाली है फ़ीस। ये देखिए एग्ज़ाम का जो फ़ी है, मतलब जो एप्लीकेशन फ़ी है, वो हम किस माध्यम से साइट पे जमा कर सकते हैं, पे ऑन द एग्ज़ाम फी थ्रू डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ओनली। ये चीज़ें हैं, आपको मैंने ये बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब होने वाला है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। नीचे हम आएंगे तो देखेंगे कोर्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों, BA, BSc और BCom इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं UG कोर्स के लिए। दूसरा जो है वो PG कोर्स के लिए MA, MCom और MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं PG में। और अदर जो कोर्स है LLB 3 ईयर का कोर्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। LLM PG कोर्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। BA LLB 5 ईयर का कोर्स है जो इंटीग्रेटेड होता है, वो BA LLB 5 साल का होता है, वो एक ही में होता है दोनों चीज़ लेकर के। LLB का भी डिग्री मिल जाती है आपको और BA की भी डिग्री मिल जाती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो BEd का होने वाला है, BEd के बाद MEd का, MEd के बाद MBA और MBA के बाद IPS प्रोफेशनल कोर्स, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरे डाउनलोड नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, पूरा पूरी तरीके से किस कोर्स के बारे में क्या डिटेल्स है, आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है आइए हम एक बार क्लिक करके दिखाते हैं। आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा साइट ओपन हो सकता है एडमिशन का। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए जिस भी कोर्स के लिए आपको चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सिंपली तरीके से। ओके तो गाइज हमारी वीडियो हो चुकी है पूरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।